अस्सलाम वालेकुम। डार एकेडमी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर आतिफ रज़ा। आज की वीडियो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 के एक टॉपिक के हवाले से है, जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल के हवाले से कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करवाएंगे। तो आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के तरीके कार और कौन कौन से स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो गलती से आप बच सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो से। लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, ए प्लस बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं और सी प्लस डी में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनिशियली हमारे पास जो इनके मोल्स की तादाद है, लेट सपोज ए है, इनके मोल्स की मकदार हम बी से सपोज कर लेते हैं, और इनिशियली इसको हम सिफर कंसिडर करेंगे अगर आपको न्यूमेरिकल में कहीं पे गिवन ना हो कि इनिशियली आपके पास प्रोडक्ट के साइड पे भी कोई चीज़ मौजूद है। अगर हम देखें तो चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तुम्हारे पास एक वक्त आएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और इक्विलिब्रियम के वक्त यकीनन प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा होगा। तो प्रोडक्ट के बनने में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है इनके मोल्स की तादाद। अब देखो यहाँ पे हमारे पास D है, इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन मोल है। C है, इसके साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके भी वन मोल है। तो इसको अगर सपोज कर लिया जाए कि ये हमारे पास X मोल बन रहा है, तो ये हमारे पास वन से मल्टीप्लाई होकर एक्स रह जाएगा, तो इसका भी हमारे पास जो बनेगा वो एक्स मोल बनेगा। चूंकि ये बन रहे हैं और रिएक्टेंट में से बन रहे हैं, तो रिएक्टेंट में से इसको माइनस करना है हमें, और माइनस भी हम मोल को देखते हुए करेंगे। चूंकि यहाँ पे वन मोल है तो ये एक्स माइनस होगा, और यहाँ पर भी वन मोल है तो एक्स माइनस होगा। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर दूँ तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं वी से। हमें पता है केसी का फॉर्मूला कि केसी जो है वो हमारे पास रेशो है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो सी है और डी है। अब इसमें भी आपने मोल को देखना है, यहाँ पे मोल हमारे पास वन वन है तो पावर वन आ रही है। रिएक्टेंट में हमारे पास ए है और बी है। अब अगर इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज को रख दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ओवर वी, यहाँ पर भी एक्स ओवर वी डिवाइड बाय ए माइनस एक्स ओवर वी और b माइनस एक्स ओवर वी। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास v जो है ये कैंसिल हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो अरेंज होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। अब आपको वैल्यूज़ जो भी गिवन होंगे उसके लिहाज से आप इसमें वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास इक्वेशन कुछ यूं है, अब इसमें जो हमारे पास
इनिशियली सपोज करोगे, इसका ए सपोज करोगे, इसका बी सपोज करोगे, इसका सिफर सपोज करोगे। अगर इक्विलिब्रियम के वक्त की बात करें तो यहाँ पे एक्स नहीं बनेगा। अब आप इसके मोल को देखो तो यहाँ पे हमारे पास मोल जो है वो 2 है, तो इसका बनेगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करके यानी कि 2x। यहाँ से हमें माइनस करना है तो ये हो जाएगा b माइनस एक्स क्योंकि 1 मोल है, और a माइनस एक्स। ख्याल रखना है आपने कि जितने मोल्स हैं प्रोडक्ट के साइड पे उसी लिहाज से हमारे पास x को मल्टीप्लाई करना है उससे, और यहाँ पर भी आपने उसी लिहाज से माइनस करना है। ऐसा ना हो कि आप 2x यहाँ पे भी माइनस कर दो और 2x यहाँ पे भी माइनस कर दो। अब अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर दिया जाए तो ये हो जाएगा v से डिवाइड। kc का फॉर्मूला हमें पता है कि ऊपर में प्रोडक्ट और नीचे में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं। अब अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट के पास मोल की तादाद 2 है, तो ये मोल हमारे पास पावर में आ जाएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आपसे गलती नहीं होगी। नीचे में ए है और बी है, तो यहाँ पे हमारे पास सी की जगह पे आ जाएगा 2x ओवर वी का होल स्क्वायर। नीचे में आ जाएगा a माइनस एक्स ओवर वी और b माइनस एक्स ओवर वी। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर, और नीचे में a माइनस एक्स ओवर वी और b माइनस एक्स ओवर वी। ये स्क्वायर और ये v कैंसिल, ये v और ये वी कैंसिल। तुम्हारे पास इसका जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है 4x स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ये तुम्हारे पास दो कंडीशंस हो गई। हम आगे कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। लेट सपोज आपके पास इक्वेशन दी हुई है a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। अब यहां पे आपको इनिशियल सपोज करना है, तो इनिशियल में ये a होगा, इसका b होगा, इसका सिफर होगा। अब इसका x बनेगा। अब यहां पे आपने माइनस करना है, तो यहां पे जो आप माइनस करोगे मोल को देखते हुए करोगे तो माइनस होगा यहां पे 2x, और यहां पर माइनस होगा x। यहां से 2x क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि इसके साथ मोल की तादाद जो है वो 2 है। अगर कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन में ये डिवाइड बाय वी हो जाएगा। केसी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो मैं अगर डायरेक्ट लिख दूं तो ऊपर में आ जाएगा हमारे पास सी, और नीचे में आ जाएगा ए और बी का स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहे हैं। अब आगे अगर वैल्यू को पुट कर दो तो एक्स ओवर वी a माइनस एक्स ओवर वी, बी माइनस 2x ओवर वी, और अगर आप आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास kc का फॉर्मूला आ गया इस इक्वेशन के लिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट सपोज आपके पास इक्वेशन दी हुई है
टू ए बी प्लस सी। अब यहां पे इनिशियल अगर आप देखोगे तो इनिशियल इसका ए होगा, इसका सिफर होगा, इसका सिफर होगा, इसका यकीनन बनेगा एक्स, इसका भी बनना है एक्स, या यहां पे माइनस करोगे आप 2x, ये जो है हमारे पास एट इक्विलिब्रियम। अब यहां पे हमारे पास अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील करोगे तो ये डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी डिवाइड बाय वी। केसी के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो ऊपर में बी आ रहा है, नीचे में ऊपर में सी आ रहा है, और नीचे में हमारे पास ए का स्क्वायर होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब अगर इसकी वैल्यूज़ को रख दो तो ये हो जाएगा एक्स, डायरेक्ट कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, और नीचे में ए माइनस 2x ओवर वी का होल स्क्वायर। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के साथ पूरा सॉल्व करेंगे हम। जिस तरह की इक्वेशंस आई हुई हैं हमारे पास पास पेपर्स में। अब अगर आप इन सारे पार्ट्स को देख चुके हो तो बस एक बेसिक ये याद रखना है आपने कि अगर प्रोडक्ट के साइड पे कोई सब्सटेंस है तो उसके जितने मोल्स हैं उतने एक्स बनेंगे इक्विलिब्रियम के वक्त, और रिएक्टेंट के साइड पे कोई भी रिएक्टेंट है उसके जितने मोल्स हैं उतने मोल्स एक्स आप इनिशियल में से माइनस करोगे। अगर आपको ये जुमला समझ में आ गया तो आगे आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी, आप इजीली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स जो कि हमारे पास डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, या आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं इसको कुछ न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में इस तरह से हम कुछ पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हमारे पास 1991 से है, आप इसको चेक कर लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, इंशाल्लाह आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ये हमारे पास आगे के न्यूमेरिकल्स हैं 1999 से लेके 2002 प्री इंजीनियरिंग तक, इनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये 2003 प्री इंजीनियरिंग से 2006 तक हैं, आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, हम उस न्यूमेरिकल तो वैसे सारे सॉल्व करेंगे ही, लेकिन जो भी क्वेरी होगी उसको भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। ये 2008 से 2014 तक के हैं, और ये लास्ट हैं 2015 17 और 18 के। 16 का जो क्वेश्चन था वो 1992 में 1994 में रिपीट हुआ था। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिनको आपने खुद से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो भी बेसिक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और आप उसको यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करोगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।